भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तिलमिला गई है बिहार में। इस बारे में जानती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये जवान चलाने वाले लोग हैं, बिहार की उपेक्षा कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है काफी अच्छा काम कर रही है, इसलिए बीजेपी को वो अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार में एक से बढ़कर एक नेता को वो भेजते रहते हैं। बिहार की जनता भी जानती है कि वो सिर्फ जुबान से बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। आइए क्या कुछ बोलते हैं श्रवण कुमार आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तिलमिला गई है बिहार में। अब तो एक से एक बढ़ के नेताओं को यहाँ भेज रही है, लेकिन बिहार की जनता इनके बारे में जानती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये जवान चलाने वाले लोग हैं, ये बिहार को कुछ देने वाले लोग नहीं हैं। बिहार को उपेक्षा की दृष्टि से ये देखते हैं और दिल्ली में बैठ कर के शासन करते हैं। जब हम लोग ने जाति आधारित गणना की बात की तो उसका समाधान नहीं किया। जब हम लोगों ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगा तो इनके उसका समाधान नहीं निकाला। हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा तब इनका समाधान नहीं किया। यानी सिर्फ और सिर्फ ये जवान चलाना चाहते हैं, समस्या का हल नहीं चाहते हैं और बिहार की उपेक्षा करना चाहते हैं और बिहार की उपेक्षा कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और जिस कदर इनके शासन में महंगाई बढ़ी है, जिस कदर इनके शासन में बेरोज़गारी बढ़ी है, जिस कदर गरीबों का हक मारा गया है, जिस तरह से ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इनको किसी भी कीमत पर 2024 में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब लोग मिल कर के लगेंगे और लग चुके हैं, इनका सफाया हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार फिर से बिहार को जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं राजद के साथ। और भाई हम लोग ले जा रहे हैं जंगल राज की तरफ, वो तो मंगल राज को देश को ले जा रहे हैं ना, मंगल राज की तरफ। मंगल राज पूरे देश में चल रहा है। देश में महंगाई इतनी बढ़ गई कि 70 साल में जितना महंगाई नहीं हुआ 8 साल में बढ़ गया। देश चला रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया और 8-16 करोड़ नौकरी देश में मिलता और नौकरी वो दे नहीं रहे हैं, तो मंगल देश चल रहा है। तो कहने का मत, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, तो देश में मंगल राज चल रहा है। देश के संपत्तियों को औने पौने भाव में चंद लोगों के मुट्ठी में दिया जा रहा है, तो ये मंगल देश चल रहा है। देश सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, ओबीसी का अधिकार सुरक्षित नहीं है। हम लोग जब देश में गणना कराने की बात करते हैं, जाति आधारित गणना कराने की बात करते हैं, तो ये दूसरे तरह की बात करते हैं। देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है। आई सब लेकर के 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब लोग लगेंगे और जितना इन्होंने किया है एक एक बात बिहार की और देश की जनता को हम लोग बताएं। तो आपने सुना श्रवण कुमार ने किस तरह बीजेपी पर निशाना साधा है। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।